दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का, जिसमें लीड एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी और काफी दिनों बाद उनकी रानी मुखर्जी की एक और फिल्म आ रही है जिसके अंदर आपको सेंटर कैरेक्टर उनका दिखाई देगा और ये एक माँ की कहानी है। तो आइए सबसे पहले अपनी मीडिया के लिए के साथ इस फिल्म को एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने हमें कितना इमोशनल किया। बहुत अच्छी है, माँ और बच्चों का प्यार बहुत बढ़िया दिखाया गया। रानी मुखर्जी जैसे हर बार क्लासी एक्टिंग करती है, इसमें तो मतलब इमोशनल कर दिया। मेरी खुद की छोटी सी बच्ची यार, मैं उसे इमेजिन कर रहा था हमेशा पूरी मूवी के दौरान। बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत इमोशनल मूवी है। आपको लगता है जो ये नॉर्वे का रूल है बहुत गलत रूल है? देखो हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, लेकिन किसी के कल्चर को ऊपर ऐसे थोपना नहीं चाहिए। जैसे नॉर्वे में वो अपने बच्चों के साथ करें, लेकिन हम लोग जो वहाँ जाके रहते हैं या वो लोग जो यहाँ के रहते हैं, किसी के ऊपर कोई कल्चर थोपना नहीं चाहिए, यही इंडिया का कल्चर। कितनी रेटिंग देंगे? आई विल गिव 5 out of 5 फॉर रानी मुखर्जी की एक्टिंग। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है, वेरी गुड। रानी मुखर्जी की एक्टिंग के बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रानी फिल्म में, बहुत अच्छी। भैया कितनी रेटिंग देंगे? सुपर रानी मुखर्जी, सुपर। इधर आ जाओ भैया। कितनी रेटिंग देंगे, कैसी लगी? हां 4 रेटिंग, अच्छी, बढ़िया मूवी है, बढ़िया एकदम, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्साइटिंग। सबसे अच्छा क्या लगा? 4 out of 5 4 is very good, strong acting, emotion, full of emotion, being emotional karti hai aapko raj bhai, kaise bhaiya? Achhi thi picture, kya uncle kya kehna chahte ho? Bahut dinon baad ek achhi film dekhi hai main, 4.5, bahut achhi movie hai। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और नॉर्वे गवर्नमेंट में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अपना भारत उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना तो अपना ही है। क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5 देना। रेटिंग क्या देना चाहेंगे? शानदार। रानी मुखर्जी जी का कमबैक जो है वो कैसा लगा? शानदार, बहुत बेहतरीन एक्टिंग, शानदार, अच्छा बनाया जा सकता था, उसमें कुछ कॉमेडी की कमी भी लगी। और साथ ही साथ इस फिल्म में ये थोड़ा प्राउडली वाली बात है कि नॉर्वे में भी मतलब इंडियन जो संस्कृति है उसको भी मतलब एक तरह का अच्छी तरीके से दिखाया गया है। नहीं लगता है आपको इतने सीरियस टॉपिक पर जो मूवी बनी है उसमें कोई कॉमेडी कंटेंट भी होना चाहिए? इसमें थोड़ा होना चाहिए क्योंकि फिल्म में एक लय में फिल्म चली है एक तरह से कह सकते हैं, तो इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता था। और जो एडवोकेट जो रही थी उनका मतलब रोल था वो काफी अच्छा था, हालांकि उनको एक दो सीरियल में पहले देखा गया, पहली फिल्म ऐसी है, लेकिन काफी अच्छी लगी। तो आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 4 जी। एक्टर का भी होना जरूरी है और एक्ट्रेस का भी होना चाहिए। एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा रोल किया इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इमोशनल मूवी बनाई, और भी अच्छी हो सकती थी मेरे हिसाब से। मैं रेटिंग देना चाहेंगे 3 दूंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी टची फिल्म जो है एक बुक पर बेस्ड है, क्या फिल्म में और कुछ मैनिपुलेशंस की नीड है? मैं मैनिपुलेशन तो मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि ये रियल स्टोरी बेस्ड है, और जहाँ बीच में मैं मिस किया सुषमा स्वराज जी को, उन्होंने अगर कहीं भी भारत में भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर फंस जाता था तो वो जी जान लगा देती थी, तो रियल स्टोरी है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता था। जैसे राजनेताओं के लिए जो छवि है हमारे देश में इस फिल्म के बाद, उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं, छवि में तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो मक्कार राजनेता है वो ज्यादा है, बट हाँ सुषमा स्वराज जो थी वो अलग नेत्री थी, लिए इमोशंस चेंज हुए। हाँ उनके लिए इमोशंस हैं और वो हमेशा रहेंगे। नॉट ओनली दिस मूवी, हमने कोविड सिचुएशंस में भी देखा। नहीं रही बात इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर पे, तो वहाँ काम हो सकता था, डम करेक्टर दिखाया है हस्बैंड का वो इम्प्रूव हो सकता था, थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स हो सकते। रानी मुखर्जी के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे इनकी एक्टिंग के लिए? लास्ट हमने उनको मर्दानी 2 में देखा। हाँ मर्दानी 1 2 उनकी लेडी ओरिएंटेड फिल्म थी, एंड दिस वन आल्सो, तो ये कंगना एज वेल कर रही है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है बॉलीवुड के लिए खासकर। बेसिकली क्या होता है कि मेल ओरिएंटेड मूवीज आती हैं बॉलीवुड में, और जो कि मुझे लगता है परसेप्शन बदलना जरूरी है, एंड दिस वन आल्सो इन दैट काइंड ऑफ मूवी। थैंक यू सो मच। लगी आपने पूरी फिल्म देखी है? ठीक ठीक लगी, अच्छी लगी, ठीक ठीक लगी। कौन से पार्ट आपको मतलब बेस्ट, बहुत ज्यादा टची लगे, बहुत ज्यादा आपके दिल को छू गए? मुझे यही ज्यादा लगा कि एक माँ से उसके बच्चे ही छीन लिए गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है और वो गई, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ी जीत है। क्या रेटिंग देना चाहिए? मैं 5 out of 3। तो दोस्तों आपने देखा मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म में, लोगों को बहुत हद तक ये फिल्म पसंद ही आई है, क्योंकि वैसे भी फिल्म में मैनिपुलेशन की कोई नीड थी नहीं, ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और रियल कैरेक्टर भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक माँ ने, चाहे वो विदेश हो चाहे इंडिया हो, संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी। हालांकि इतना लंबा पीरियड में पूरी फिल्म आपको बताना नहीं चाहती, इससे आपका भी सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पूरी बातें मैं आपको पूरा टाइम पीरियड क्लियर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जितना लंबा समय इस केस को सॉल्व होने में लगा, उतने समय में अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन एक माँ के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। ऊपर से सुषमा स्वराज जी के बारे में भी बताया गया कि मतलब उनके इंटरफेरेंस के बिना कहीं ना कहीं ये केस रिजॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन
एक्सेसिव एसेस और कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस के नाम पर विदेशों में, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत आजकल के बच्चे चाहते हैं फॉरेन जाकर सेटल हो जाना है, ये है वो है, तो अपना देश यहाँ जितनी इमोशंस की कदर है मेरे ख्याल से कोई और देश नहीं कर सकता। आई लव माई इंडिया इस फिल्म को देखकर और भी प्राउड मोमेंट फील होगा और एज अ मदर आप अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। तो मैं इस फिल्म को देना चाहूंगी 4.5 स्टार रेटिंग, क्योंकि रियल लाइफ सिनेमा का जमाना है, इसमें कोई लव सीन्स, कोई किसिंग सीन्स की नीड नहीं होती। यहाँ आपको एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने की जरूरत है, सच्चाई दिखाने की जरूरत है, जो कि रानी मुखर्जी ने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया और फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। गाइस अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।